नमस्कार, मैं हूं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कभी अपने आसपास गौर कीजिएगा, अगर सोशल मीडिया से, गोदी मीडिया से और बाकी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर आपकी नज़र हटे, देखिएगा और सोचिएगा कि आज तक आप जहां कहीं भी रहे होंगे, आपके आसपास ज़रूर कोई हिंदू या मुस्लिम रहते ही होंगे या रहते आए होंगे। क्या उन्होंने आपको कभी कोई व्यक्तिगत नुकसान पहुँचाया? क्या ऐसी कोई नफरती बात उन्होंने की? क्या आपके घर आकर आपके धर्म में कोई रोड़ा अटकाया? कभी आपको पूजा या नमाज के लिए किसी ने रोका, आपको मदद की ज़रूरत हो और किसी ने ये कह के मदद से हाथ खींच लिए हो कि फला फला तो हिंदू है, मदद क्यों करूं, या फला मुसलमान है तो मदद क्यों करूं? बात मैं दोनों धर्मों की कर रही हूँ। गौर से सुनिए और समझ के जवाब दीजिए। 99.99% आपका जवाब ना ही होगा, बाकी अपवाद तो हर जगह होते हैं। तो फिर बताइए कि ये कौन लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, कौन है जिनकी वजह से धर्म खतरे में आता है? मुट्ठी भर लोग जो ऐसी बातें करते हैं, उनकी बातों की वजह से हमने अपने ही देश में एक नफरती माहौल तैयार कर लिया है। लेकिन सच कुछ और ही है, जिसे देखना ज़रूरी है। भास्कर में एक रिपोर्ट छपी जिसमें लिखा है कि 1.5 महीने बाद 20 साल की जीनत ने 3 महीने पहले फिर से करौली के फूटा कोट यानी मणिहारा बाजार में चूड़ियों की दुकान खोल ली है। उनकी दुकान दंगे में जल गई थी और मकान में भी दंगाइयों ने आग लगा दी। पड़ोसी व्यापारी मनु कुमार गोयल ने इन्हें दुकान खोलने के लिए तैयार किया। 50,000 रुपये की मदद तो की ही, अपनी ही दुकान से बिजली भी दी। इससे जीनत की दुकान में रखी चूड़ियाँ अब फिर से चमकने लग गई है। उनके पिता मोहम्मद जफर भावुक होकर कहते हैं कि हम तो टूट चुके थे, लेकिन मनु भाई ने हमारा हौसला बनाया। पैसे और लाइट का जिक्र करते ही मनु बीच में टोक देते हैं, अजी मदद तो ऊपर वाला करता है, हमारे और इनके पुरखे यहीं पैदा हुए और साथ साथ जिए, अपनापन भी तो कुछ होता है। जफर फिर कहते हैं कि दंगों में हमारा घर परिवार जल रहा था तो ठाकुरों के युवा शम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने हमारी 80 साल की अम्मी को मकान से निकाला, मेरे भाई और बच्चों को आग से बचाया और इस दौरान उनके हाथ जल गए, ये सब कैसे भूल जाए। चूड़ी मार्केट के फारूक बताते हैं कि दंगे में उनका पूरा धंधा चौपट हो गया, सारी जमी जमाई दुकान सामान बर्बाद हो गया, प्रशासन से मदद ना के बराबर मिली है। ऐसे में पड़ोसी दुकानदार जब्बू भाई चौबे ने आत्मा के घाव भरने में मदद की। मेरे पास जगह और पैसे खत्म हुए तो अपनी दुकान तक देने को तैयार हो गए, बोले किसी चीज़ से परेशान मत होना, मैं अपनी दुकान खाली कर दूसरी में शिफ्ट कर लेता हूँ, वो भी बिना किसी किराए के। अल्लाह का शुक्र है कि ये एक अपनापन दंगों में नहीं चला। 1.5 महीने बाद करौली में जिंदगी और व्यापार पटरी पर लौट रहा है। प्रशासन ने 20 मई तक 62 लोगों को माल और प्रॉपर्टी के नुकसान की एवज में कुल 1,24,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। सर्वे टीम ने कुल आंकलन 1,41,00,000 रुपए का रिलीफ फंड बताया था। अभी तक घायल 12 लोगों को भी 10,00,000 का भुगतान हुआ है। सर्वे में शामिल कुछ घायल और नुकसान वाले छोटे दुकानदारों ने क्लेम नहीं उठाया है। कुछ मसले अभी विवादित हैं, मसलन 10 ठेले वालों को 10,000 की राहत तय की गई है, जो कि अभी मिलना बाकी है। जिन्हें मुआवजा मिला है वो भी इसे नुकसान की एवज में काफी कम बता रहे हैं। 2017 के नियमों के तहत दंगों में घर दुकान के नुकसान पर अधिकतम 75,000 रुपए मुआवजा मिलता था। करौली केस में 12 के छबड़ा मॉडल के आधार पर राहत पैकेज बनाए गए हैं। इसमें 1,00,000 से कम के नुकसान पर पूरी भरपाई होती है तो 5,00,000 से ऊपर पर 50% राहत पैकेज मिल जाता है। करौली दंगा के बाद जैसे ही बाजार खुला तो खटास बनती दिखाई दी। ईद को भी आलम दिखा कि हिंदुओं की दुकानों पर पहले जैसी रौनक नहीं है तो शादी समारोह पर मनिहारों की दुकानें सुनी रही। फिर दुआ सलाम बढ़ी और सबको ये लगा कि इससे तो दंगा ही जीत जाएंगे। मोहल्ला ढोली खार के सुरेश गुप्ता कहते हैं कि मदन मोहन मंदिर ट्रस्ट के किराए पर चलने वाली उनकी दोनों दुकानों को दंगाइयों ने जला दिया। ये पूरा मोहल्ला मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन सामने ही उन्होंने फिर किराए पर जगह लेकर दुकान शुरू कर दी है, बोले धंधा तो यहीं चलाएंगे। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह इस पर कहते हैं कि 6 अधिकारियों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 69 लोगों को परिसंपत्तियों के लिए 1,23,00,000 रुपए का पैकेज और घायलों के लिए 18,00,000 का पैकेज मांगा था, जो मंजूर हो चुका। जो क्लेम करने आए उन्हें दे भी दिया। कुछ मामले विवादित हैं जिन्हें फाइनल कर रहे हैं। 100% भरपाई तो नहीं हो पाती, फिर भी 2017 के नियमों से अलग 10 गुना मुआवजा दिया गया। बात जो जहन में रखने की है वो ये है कि कहीं दंगाई अपने पन को न जला दे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाक
बाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।